हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैंने आर्श और डोमिंगा ऑलरेडी शेयर कर दिया है, मैंने आप लोगों के साथ गाइस ऑलरेडी मेरी मंगा भी शेयर कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर उसे ज़रूर पढ़िएगा और अपने रिव्यू भी दीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं उस वेबसाइट को थोड़ा अच्छा भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है और मैंने कभी कोई वेबसाइट बनाई नहीं है, तो मैं अभी इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वन रोहान था ना, वो यहाँ पर शुरू करता है कि अब हम लोगों को डीमंस के खिलाफ फाइट करनी चाहिए, डीमंस बहुत बुरे होते हैं। तभी विभीषण कहता है, देखिए डीमंस ने अभी तक हमारे यहाँ पर कोई हमला नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, तो हम इस फाइट के लिए क्यों तैयार हो। तो यहाँ पर वेन रोहान कहता है कि आपको क्या लगता है, अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो हमें प्रिपेयर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए इससे पहले वो हम पे हमला करें, क्यों ना हम उन पे हमला बोल दें। तो यहाँ पर वेवोशन कहता है, ये एक हर अच्छे साम्राज्य का और कल्टिवेशन वर्ल्ड का हमेशा से ये दायित्व रहा है कि वो पहले हमला नहीं करते हैं, और अगर डीमंस को इतनी प्रॉब्लम है तो वो अभी तक हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा तो ज़रूर करते हैं। स्पेशली गुसू के सबसे ज़्यादा पास युनमक है, युनमक में ऐसी कोई भी घटना नहीं आई। हाँ, जो डीमंस डीमन वर्ल्ड से भी नकार दिए जाते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ वो डीमन यहाँ आकर शोर शराबा करते हैं या लड़ाई करते हैं, उसके लिए हम पूरे डीमन वर्ल्ड पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पहले ही वहाँ से नकार दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो हम इसके लिए किसी पे हमला क्यों करें। तो यहाँ पर वेन रोहान जो है वो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा बरखुदा, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तभी शायद तुम युनमक के सेनापति हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, जो वहाँ पर इतने ज़्यादा डीमंस हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक एक छोटा डीमन है, बहुत बदमाश है वो, उसका नाम है गुसू का प्रिंस, सेकंड ट्विन प्रिंस लवांगची। वो एक नंबर का बदमाश है और वो, मैं बता रहा हूँ, वो इतनी तबाही मचाएगा कि तुम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर है और यहाँ तक कि वो एकदम बदतमीज़ ब्रैट है। ये सुनकर ना लवांगची का खून तो खोल जाता है, उसका मन कर रहा था कि वो अभी एक चाटा मार के ना गर्दन ही तोड़ दे इस वेन रोहान की, लेकिन वो बड़ी ही शांति से अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए था। और वीन को हंसी आ रही थी कि वो लवांगची को खुखार बता रहा है, जिसके बम पे उसने कितनी बार पिटाई की है और जिसके साथ उसने लास्ट की रात मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो किया है। और यहाँ पर वो वांगजी को ऐसे पेश कर रहा है जैसे मानो वो कोई बहुत बड़ा दानव हो। यहाँ पर विंग कहता है, ओह तो यानी कि वो तो कोई बहुत बड़ा भयंकर सा दानव जैसा दिखता होगा, जिसके दांत भार होंगे और बहुत ही भयंकर सा होगा, क्या वो इंसानों को भी खा जाता है। वेन रोहान बड़ा चढ़ा के कहता है, तुम जानते नहीं हो, वो उन गुसू का सेकेंड प्रिंस है और वो दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक नंबर का डीमन है। डीमन वो अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, बुद्धि फिरा सकता है, और तो और वो इंसानों को भी कच्चा खा जाता है। ये सुनने के बाद वांगची, जो कि इतने टाइम से ह्यूमन के साथ रह रहा है, उसे और भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में टेबल पे ही ज़ोर से एक हाथ पटक देता है, लेकिन वेवोशन उसे रोकता है। तभी यहाँ पर वेन रोहान की नज़र उस पर जाती है और कहता है, क्या हुआ। यहाँ पर वेवोशन कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरी जो फियांसे है उसे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि आपने कहा लवांगची जैसे जो ह्यूमंस को खा जाते हों। मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँगा क्या उसने किसी ह्यूमन को खाया है। यहाँ पर वो कहता है, मैं तुम्हें क्या क्या सबूत दूँ, वो वांगची बहुत ही क्रूर है, बहुत ही बदतमीज़ है, इवन उसने ये तक कहा है कि वो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को जला देगा, उसमें बिल्कुल भी दया नहीं है। और तुम लोग क्या सोच रहे हो, वो लोग तुम सबको मार देंगे, उसने मुझे तक धमकी दी और मुझ पे भी हमला करने की कोशिश की। यहाँ पर मनी मन लवांगची कहता है, तू तो डिजर्व करता था, तुझे मैंने वहीं मार देना था, लेकिन मैंने मारा नहीं अपने अंकल की वजह से, वरना तो तेरा वहीं खून पी लेना चाहिए था, और तेरे जैसे इंसान को तो अगर मैं कच्चा चबा भी जाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, रत्ती भर दुख नहीं होगा। लेकिन ये सारे वो जो कर्ज थे ना, वो बेचारा लवांगजी अपने मन ही मन बोल रहा था और वेवोशन मुस्कुरा रहा था। ये बातें सुन के तो जंगचा को भी हंसी आ रही थी, क्योंकि जिस लवांगजी की वो इतनी गाथा सुना रहा है कि वो खूंखार है, मार देगा, लोगों को कच्चा खा जाता है, वो उन्हीं की साइड में बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा है। यहाँ पर जंगचा मन में सोच रहा था, अगर लवांगजी को इस वक्त बोल दिया जाए ना, लवांगजी जाओ इस पे हमला कर दो, तो वो यहाँ सबके सामने इसकी गर्दन उड़ा देगा। लेकिन बेचारा
अपने बारे में सारी चीज़ें सुन रहा है। यहाँ पर जंगछा भी हंस रहा था, विभूषण भी हंस रहा था, और वो सारी बातें इतने ध्यान से सुन रहे होते हैं। विभूषण लवान जी के कान के फंसा के कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने खूंखार हो। वैसे कल रात तुमने मुझे भी मेरी बॉडी पे बहुत सारे बाइट दिए हैं। तुम इंसान को खा सकते हो, मुझे भी तो कितना काट रहे थे कल रात। यहाँ पर वांग जी विभूषण के हाथों पे थप्पड़ मारता है और कहता है, चुप करो, ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करते। विभूषण यहाँ पर उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, मेरा ना बेडरूम में जाने का मन हो रहा है। लवांग जी जो कि शर्मा जाता है और घबरा जाता है, विभूषण कहता है, मुझे देखना है, अगर तुम मुझे खाओगे तो कितना मज़ा आएगा ना। यहाँ पर फिर से वो उसके हाथ पे थप्पड़ मार देता है और कहता है, शेमलेस। यहाँ पर जब फेनरोहान कहता है, हमें गुसू में सबसे पहले उस लवांग जी को मारना चाहिए, मैं तो उसे अपना यहाँ पर बांध कर लेके आऊँगा और इस पूरे वर्ल्ड को दिखाऊँगा, आप सबके सामने मैं उसे टॉर्चर करूँगा। पहले तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा, फिर उसके हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, और उसके बाद जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे यहाँ पर टॉर्चर करता रहूँगा। यहाँ पर जो हमारा लवांग जी था ना, वो सारी बातें सुन रहा था और कह रहा था, अच्छा बच्चों, अगर मैं मजबूर नहीं होता ना तो मैं तुझे बताता कि जो तू मेरे साथ करने वाला है ना, वो मैं तेरे साथ उल्टा हशर ना कर दूँ। यहाँ पर आकर तो ऐसे बोल रहा है, पिट के गया था ना मेरे से, भूल गया वो टाइम। यहाँ पर लवांग जी मन ही मन उसे कर्स कर रहा था और जंगछा और विभूषण अभी भी हंस रहे थे। तभी यहाँ पर वेन रोहान कहता है, यंग मास्टर जियांग, आप क्यों हंस रहे हैं, बहुत हंसी आ रही है आपको। यहाँ पर हंसते हुए जंगछा कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे आप बहुत बड़े शूरवीर हैं। सच में वेन रोहान यानी कि सेक्ट लीडर वेन, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपसे बड़ा योद्धा इस पूरी पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ, जिसने उस खूंखार लवांग जी से इतनी बड़ी चीज़ें मोल ले ली हों। मैंने कभी नहीं देखा कोई इतनी वॉर को ऐसे इंसान से, ऐसे खूंखार राक्षस दैत्य जैसे इंसान से मोल लेके आए। आप सच में बहुत महान हैं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अगर वो लोग अभी तक दूसरे कल्टीवेशन के सेक्ट पे कोई भी दबाव नहीं डाल रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि पहले उन पर हमला करना बेवकूफ़ी होगी। कल्टीवेशन दुनिया के तमाम रूल्स यही कहते हैं कि जब तक कोई आप पर अटैक ना करे तब तक आप भी अटैक ना करें, लेकिन उसके लिए पूर्णतः तैयार रहें। यहाँ पर वेन रोहान गुस्से में अपने कुछ लोगों को इशारा करता है। वो जानता था कि लोग यहाँ तैयार नहीं होंगे, तो वो सोचता है कि क्यों ना लोगों को डर दिखाया जाए, लोगों के यहाँ पर दहशत डाली जाए, क्यों ना जो काम डीमन सेक्ट नहीं कर रहा वो करके दिखा दे, लोगों को इतना डरा दे कि वो वेन रोहान की बातें मानने के लिए तैयार हो जाएं। विभूषण ये सारी चीज़ें जानता था, इसलिए विभूषण ने भी यहाँ पर वेन सेक्ट में अपने भी कुछ गुप्तचर रख लिए थे धीरे धीरे, और उसे वेंस के यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए एज अ डिसाइपल भेज दिया था। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को वेन रोहान लोगों को मारने के लिए भेजता था सीक्रेटली, उन सारों का काम तमाम विभूषण अपने लोगों द्वारा करवा दिया गया था। और ये सारी चीज़ें आइडिया विभूषण ही नहीं बल्कि जियांग फेमिया और जंगछा का भी था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने टाइम से निगरानी रखे हुए थे, इसलिए वेन रोहान आज दिन तक कभी लैंड सेक्ट पे हमला नहीं कर पाया। यहाँ विभूषण जो है ना वो मुस्कुराता है और कहता है, अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो डोंट वरी सेक्ट लीडर वेन, हम आपके साथ खड़े हैं, हर दुख में हर सुख में सारे सेक्ट आपका साथ देंगे। लेकिन अगर कोई इंसान बेकसूर है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, और हो सकता है जो डीमन वर्ल्ड है वो ऐसे कोरी ही धमकी देते हों, क्योंकि कई लोगों को कोरी धमकियां देने के बहुत मज़े आते हैं, कोरी धमकी देके किसी को डरा दो, किसी को अपने नीचे रखो, और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, लेकिन जब तक धमकी है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वेन रोहान फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तभी यहाँ पर नीमिंगजू भी कहते हैं, मैं इनकी बातों से कहीं ना कहीं सहमत हूँ, आज सेक्ट लीडर जियांग कुछ गलत नहीं कह रहे, मुझे ऐसा लगता है कि उनका सेनापति भी बहुत सही बातें कर रहा है, जब तक डीमन वर्ल्ड हम लोगों के साथ बैर नहीं रखता, कुछ गलत नहीं करता, तो पहले हमला करना कल्टीवेशन की दुनिया के खिलाफ है, और अगर कल्टीवेशन की दुनिया के खिलाफ गए तो गॉड हमें खुद पनिशमेंट देंगे, और आप जानते हैं कि हम शपथ नहीं तोड़ते हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड की। हाँ, डीमंस ने पहला हमला किया और हमें पता चल गया कि वो हमला डीमंस का है, तो हम इस वॉर में ज़रूर एक साथ होकर, एकजुट होकर डीमंस का सामना करेंगे। यहाँ पर मन ही मन कहता है जो हमारा विभूषण होता है, वेरी गुड, पहली बार हमारा साथ दे रहा है, वरना लास्ट टाइम तो
बेफजूल में लंजा को सुना के, वो जंगचा को सुना के गया था। यहाँ लंजा कहता है, चलो यहाँ पर कोई और तो है जो मेरे वेवुशन जैसा दिमागदार है। यहाँ पर बाकी सारे लोग भी खड़े होते हैं, जिन जिशन भी खड़ा होता है और कहता है, मैं इस मैटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन में खाई हुई कसम और कल्टीवेशन की जितनी भी रस्में हैं और रूल्स हैं, हम उन्हें नहीं तोड़ सकते, वरना गॉड हमें पनिश करेंगे। और आप जानते हैं, गॉड जब पनिश करते हैं तो हमारे वर्ल्ड में, जहाँ पर ऑलरेडी शांति है, अगर हम लालच करेंगे और डीमंस पे हमला कर देंगे, तो गॉड हमें ऐसी पनिशमेंट देंगे जिसके चलते हमारी सारी फसलें नष्ट हो सकती हैं, भुखमारी आ सकती है, महामारी आ सकती है, और उसे कोई भी ह्यूमन आपदा आ सकती है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मैं इन लोगों की बातों से सहमत रहता हूँ, जिन सेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, लेकिन हमारी वजह से बहुत सारे छोटे सेक्ट्स का घर चलता है, बहुत सारे छोटे सेक्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तब हम उससे उसे डील कराते हैं। लेकिन अगर हमारे ही सेक्ट में कुछ नहीं होगा तो हम दूसरे सेक्ट की कैसे मदद कर पाएंगे? तो देखिए, हम पैसा लगा तो सकते हैं वॉर पे, लेकिन ऐसी वॉर पे पैसा लगाना जहाँ पर सब बर्बाद हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं जिन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर बनने वाला हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर वो जैसे ही ये बोलता है तो वैन रोहन को लगता है उसका प्लान तो फेल हो गया। वो तो यहाँ पर मन में सोच के बैठा था कि वो डीमन सेक्ट पे जाकर हमला करेगा और उस लवांग जी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सब उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो अपने चेहरे पे झूठी हंसी रखता है और बैठता है और कहता है, कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, आप लोग भी सही कह रहे हैं, आप लोग भी कल्टीवेशन दुनिया के महाधुरंधर हैं, आप लोगों ने भी बहुत कारनामे किए हैं, तो मैं आप लोगों के कारनामों की सराहना करता हूँ और मैं आप लोगों की बातों को मानकर ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। पर अगर डीमंस वर्ल्ड ने कुछ भी किया तो उसकी खबर मुझे ज़रूर दीजिएगा और उसके बाद हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कल्टीवेशन की दुनिया में शपथ खाए हुए हूँ, इसलिए मैं कुछ गड़बड़ पहले नहीं करूँगा मैं आप लोगों के बिना। वैसे मैंने ये जो पार्टी रखी थी, ये फीस्ट रखा था, यहाँ एक गेट टुगेदर हो जाए इसके लिए रखा था, तो चलिए इस फीस्ट को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर वो जो मोटी तांग डायनेस्टी की जो यहाँ पर प्रिंसेस होती है, वो जंगचा को देखे जा रही थी। जंगचा बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से ही उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये लेडी उसे जिस तरीके से देख रही थी, जिस तरह के एक्शन कर रही थी। विंग यहाँ पर कहता है, मुझे लगता है सेक्ट लीडर जियांग, आपको मेरी कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए, आई मीन क्राउन प्रिंस जियांग, आपको यहाँ आना चाहिए। और यहाँ पर जंगचा मना करता है, लेकिन वेवुशियन ज़बरदस्ती अपनी सीट को छोड़कर जंगचा को वहाँ बैठा देता है, ताकि वो तांग डायनेस्टी की जो विमेन है वो यहाँ पर जंगचा को थोड़ा अच्छे से हैरेस कर सके। वो जंगचा के हाथ पे हाथ रखती है और उसकी बाजुओं को ज़ोर ज़ोर से पकड़कर नापने लगती है और कहती है, आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर हैं। जंगचा घबरा रहा था, ये सीन देखकर विंग को हंसी आ रही थी, और लवांगची जेलस हो रहा था। लवांगची कहता है, तुम जानकर ऐसे कर रहे हो ना? विंग कहता है, मुझे तुम्हारे और मेरी कल रात की याद आ रही है, चलो दोबारा से रूम में चलते हैं। लवांगची कहता है, चुप करो, मुझे ये सारी जगह घूमना है। यहाँ पर विंग कहता है, घूम लेना। वैसे वांगची का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ पे किस करता है और कहता है, मैं हमेशा से चाहता था कि हम लोग कभी बाहर जाएं, घूमें। हाँ, तुम्हें इस वक्त पर्दा करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता वैन सेक्ट की गंदी नज़र तुम पे पड़े, तुम मेरे लिए सबसे प्रीशियस हो। यहाँ पर फीस चलता है परफॉर्मेंस देने के लिए, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, डांस करती है, बहुत सारे मार्शल आर्ट के लोग आते हैं, वो भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर वो एक एंशियंट टाइम के राजा की कहानी को परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर सबका दिल थोड़ा इमोशनल होता है। यहाँ पर वो दिखाते हैं कि किस तरह से डीमन बुरे होते थे और सबको मार देते थे। ये देखकर लवांगची को बुरा लगता है कि सारे हमेशा डीमन्स को इतना ज़्यादा गंदा क्यों मानते हैं। हाँ, डीमन्स के कुछ पूर्वजों ने गलतियाँ की हैं, लेकिन डीमन ब्लड लाइन हर ब्लड लाइन ऐसी नहीं थी। कुछ शांति दूत भी थे, शांतियाँ भी चाहते थे और पीस के लिए वो लोग काम भी करते थे, वो ह्यूमन वर्ल्ड को कभी नहीं सताते थे।
कुछ डीमन वर्ल्ड के लोग होते हैं नोटोरियस टाइप के, लेकिन वांगची का परिवार ऐसा नहीं था। वो बहुत सभ्य था और डीमन्स में भी सबसे उच्च घराने के, सबसे प्योर ब्लड लाइन के माने जाते हैं। और उनके खानदान में कभी भी ऐसी छोटी मोटी छिछोरी हरकतें नहीं होती। और वो मन में सोचता है कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों को मारते हैं, औरतों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हमेशा डीमन को ही बुरा क्यों माना जाता है। यहाँ पर लवांगची जब सैड होता है तो वांगची को विंग अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम सैड क्यों हो रहे हो, कि एक स्टोरी तो है। वांगची कहता है, हमेशा ह्यूमन डीमन को बुरा कहता है, कभी वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखता जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में होकर भी तो बुरा कर रहे हैं, जैसे कि सेक्लिडोवन, उनके बच्चे। वो लोग आकर हमें धमकाते थे, मेरी तरफ गंदी निगाह रखता है वो इंसान, फिर भी सबको लगता है मैं बुरा हूँ क्योंकि उसने चार शब्द मेरे लिए बुरे कह दिए और सबने यकीन कर लिया। किसी ने क्या कभी मेरे सेक्ट में आकर मुझसे पूछा मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, भी मैं क्या बुरा हूँ। विंग उसके भोले से चेहरे को हाथ लगाकर कहता है, नहीं, क्योंकि विंग इस वक्त सिर्फ उसकी मासूम सी आंखों को देख पा रहा था। वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तुम सबसे प्रीशियस हो। यहाँ पर लवांगची कहता है, विंग अगर कभी तुम्हें मेरे सेक्ट में आकर रहना पड़ा तो क्या तुम यूनिवर्स छोड़कर मेरी दुनिया में रहोगे। विंग कहता है, जब तक सब ठीक है मैं चाहूँगा कि मैं युनमग में रहूं, लेकिन अगर कभी तुम्हारी सेफ्टी पे बात आई तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सेक्ट चलते हुए भी हिचकूंगा नहीं। यहाँ पर वांगची बड़ी ही प्यार से उसे हक करके उसकी शोल्डर पे सिर रख के वो सारी तमाम चीज़ें देखता है। उसके बाद उन सबके सामने वाइन लाई जाती है। विंग यहाँ पर लवांगची को वाइन पीने से मना करता है, पर वांगची तो वांगची है, वो किसी की नहीं सुनता। और वो घपा घप करके, क्योंकि यहाँ पर जो वाइन थी ना वो बहुत सारी बेरीज की बनी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पीच ब्लॉसम की भी वाइन बनाई हुई थी जो कि पीने में बहुत टेस्टी थी। वो लग नहीं रही थी वाइन है, क्योंकि पहले जब इंसानों से पीता है तो वो एकदम ड्रिंक की तरह नॉर्मल सॉफ्ट सा जूस लगती है, लेकिन वो वाइन इतनी असरदार थी कि वो बाद में इंसान को बहुत ज़्यादा टल्ली कर देती है। वांगची यहाँ मज़े से चार ग्लास वाइन के पी जाता है। वो कहता है, अरे विंग मुझे नहीं छेड़ेगी, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चार ग्लास वाइन पीने के बाद जो वांगची का सिर घूमता है ना, उसके बाद तो उसे विंग भी तीन तीन चार चार नज़र आते हैं। और वांगची यहाँ पर विंग को कहता है, विंग मेरा सिर घूम रहा है, विंग मुझे कुछ हो गया है, विंग मुझे तुम तीन क्यों दिख रहे हो, विंग विंग कहाँ हो तुम। विंग कहता है, यहीं हूँ मैं। वो वांगची को अपनी गोद में उठा लेता है। वांगची यहाँ पर उसका सिर घूम रहा होता है, वो अपनी उंगलियों को भी देख रहा होता है और कहता है, विंग मेरी उंगलियाँ 15 नज़र आ रही हैं, विंग मुझे क्या हो गया, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ ना। वांगची को देखकर विंग मुस्कुराता है और कहता है, नहीं वीफे तुम नहीं मरोगे। और वो उसे गोद में उड़ाकर अपने रूम की तरफ चलने लगता है। वांगची की ये हरकतें देख के विंग को हंसी आ रही थी और वांगची वियर्ड वियर्ड से चेहरे बना रहा था। विंग देख सकता था कि पर्दे के पीछे वो कितना डरा हुआ है। वो धीरे से वांगची को बेड पे ले जाकर रखता है। वांगची ऊपर देखता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये दीवार हिल रही है, पंखा भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, विंग विंग ये बेड भी हिल रहा है। विंग यहाँ पर बड़े ही प्यार से वांगजी को गले लगाता है और कहता है, कुछ भी नहीं हिल रहा। वो वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी वाइन पीने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, वो उसके साथ किस रोमांस और बहुत ज़्यादा रोमांस करने लगता है, जिस तरह से उन्होंने पिछली रात रोमांस किया था। इस रात भी वांगजी के साथ वी बहुत प्यार से रोमांस करता है और दोनों एक दूसरे के कपड़े बिल्कुल उतारे हुए थे, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस में लीन थे। इस बार विंग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वांगची बहुत क्यूट लग रहा था। तब इस बार वांगची की लोअर बॉडी से अपनी लोअर बॉडी को विंग मिला लेता है और वो दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से वांगची को पहले बहुत दर्द होता है, लेकिन विंग यहाँ पर उसे कंफर्ट करता है बहुत अच्छे से और वांगची को किस भी करता रहता है। वांगची को नीचे से पेन होता है, लेकिन फिर उसे प्लेजर भी फील होने लगता है क्योंकि विंग वांगची के साथ पहले बहुत नरमी से पेश आता है, लेकिन जब वांगची विंग के साथ कंफर्टेबल हो गया था तो फिर विंग बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल बिना मर्जी के वांगची के साथ रोमांस करता है। वांगची की आवाज़ें सारी दीवारें हिलाने वाली थी क्योंकि वांगची अपनी मैनिंग पे कंट्रोल नहीं करता और विंग भी साइलेंस चार्म नहीं लगाता।
यहाँ पर विंग और वांगची एक दूसरे के साथ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे और इस बार विंग कोई प्रिकॉशन भी यूज़ नहीं कर रहा था। वो वांगची के अंदर ही खुद को रिलीज कर देता है क्योंकि दोनों एडल्ट थे। वो वांगची से वैसे भी उम्र में बड़ा था और वो वांगची की अच्छी खासी यहाँ पर जिम्मेदारी भी उठा सकता है क्योंकि वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि युनवक की मिलिट्री का सेनापति है। यहाँ पर जंगछा को वो तांग मोटी सी प्रिंसेस ले जाती है अपने रूम में। जंगछा घबरा रहा था और बेचारा मन में सोच रहा था मैं कहाँ फंस गया। वो बार बार विंग को बुलाना चाहता था बट वो लेडी धीरे धीरे जंगछा को बुलाती है और उसके बाद वो अपने अपर लोब्स को खोल देती है और फिर वो अपने पतले थिन लेयर में ही यहाँ पर नहाने के टब के लिए चली जाती है और जंगछा को कहती है कि प्लीज़ आना, मेरी कमर ज़रा स्क्रब तो करना। यहाँ पर जंगछा जैसे ही उसके रूम में जाता है वो लेडी अपने इनर रोब्स भी हटाकर बाथ टब में बिल्कुल न्यूड थी और यहाँ पर जंगछा उसकी बॉडी को स्क्रब करने लगता है। जंगछा का जैसे मन अभी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो अरे तू संत है भाई, ये सब मत कर, इस सब में मत पड़। लेकिन जंगछा के डिज़ायर अब कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उस लेडी की खूबसूरती को देखकर वो पागल हुए जा रहा था। उसकी कमर को स्क्रब तो करता है पर उसके हाथ कांप रहे थे और उसके मन की इच्छाएं जाग रही थी। यहाँ पर धीरे धीरे वो लेडी जंगछा की तरफ देखती है, अपने लिप्स को बाइट करती है और जंगछा को खींच कर अपने बाथटब में ले लेती है। वो जंगछा को डीप किस करती है और उसके कपड़े ही फाड़ देती है। धीरे धीरे दोनों बाथटब में ही अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगते हैं। जंगछा को भी यहाँ पर लंचा की आवाज़ें आ रही थी और वो भी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसका भाई यहाँ पर रोमांस में लगा हुआ है कि वो भी उस तांग डायनेस्टी की प्रिंसेस के साथ जोरों शोरों से रोमांस करना शुरू कर देता है। बट जब पहली बार कोई इंसान ये सब कर रहा हो और फर्स्ट टाइम हो तो इंसान ऑब्वियसली बात है जल्दी फ्री हो जाता है, तो यहाँ पर उसके साथ भी यही होता है। तो वो तांग डायनेस्टी की विमेन उस पर हंसने लगती हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे हो गए। जंगछा कहता है डोंट वरी, मैं अभी तक वर्जन था, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट राउंड इतना छोटा नहीं होगा। और जैसा कि जंगछा ने कहा था ऐसा ही होता है कि नेक्स्ट राउंड छोटा नहीं होता। और वो इतनी देर तक चलता है, इतनी देर तक चलता है कि वो विमेन बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाती है और दोनों के बीच में पूरी लेट नाइट तक रोमांस चलता है। दोनों काफ़ी सारे राउंड परफॉर्म करते हैं और यहाँ वेवशन और लवांची भी लगे हुए थे आपस में और उनके भी ना जाने कितने राउंड रोमांस के चलते हैं। और आधी मिडनाइट में जाकर ये लोग अपने आप को क्लीन करके थोड़ा बहुत कुछ खाकर, क्योंकि इनकी बॉडी में जान नहीं थी इसलिए थोड़ा खा लेते हैं, भूख भी लगी हुई थी क्योंकि एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। फिर ये सारे के सारे मतलब वेवोशन अपने रूम में सो जाता है और जंगछा यहाँ पर इस हेल्दी सी टांग डायनेस्टी की प्रिंसेस को ही हक करके सो जाता है। वो प्रिंसेस भी जंगछा को किस करती है और कहती है मुझे तुम पसंद आए। जंगछा कहता है मेरा फर्स्ट टाइम था तुम्हारे साथ और प्यार का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो हम आगे सोच सकते हैं। वो टांग डायनेस्टी की विमेन हंसती है और कहती है मैं क्यों सोचूं आगे के बारे में, जो होगा वो वक्त बता देगा, लेकिन तुम मुझे फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी अच्छे लगे। जंगछा कहता है फ़िलहाल का क्या मतलब है, देखो मैंने तुम्हारे साथ अपनी वर्जिनिटी लूज़ की है और इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वो टांग डायनेस्टी की विमेन हंसने लगती है और कहती है ओह ऐसा है क्या, देखती हूँ तो मेरे टेंट्रम्स झेल पाओगे या नहीं। और गाइस यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। और गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। वेवशन और लवांची भी एक हो गए हैं, आगे क्या होगा जब लवांची के घर वालों को पता चलेगा कि उनके प्यारे प्योर ब्लड लाइन डीमन ने एक इंसान को, एक कल्टीवेटर को, एक कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक सेनापति को अपने लिए चुन लिया है, क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे या इनका रिश्ता तोड़वा देंगे, देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। डिस्क्रिप्शन में न्यू मंगा का लिंक है, उसे जाकर ज़रूर से देखें और फीडबैक दें। और जिन जिन को बंगाली आती है वो प्लीज़ मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करें क्योंकि मुझे ट्रांसलेट करवाना है बंगाली में सेम मंगा को। तो प्लीज़ गाइस अगर आप में से कोई भी अच्छे से बंगाली लिखना पढ़ना जानता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के यूज़र आईडी का नाम है, आप उसे यहाँ से जाकर कॉपी कर सकते हैं या देख सकते हैं और वहाँ जाकर जैसे ही टाइप करेंगे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।